और खबर हजारीबाग से, जहां हजारीबाग के शेख बिहारी अस्पताल में पिछले दिनों कुख्यात अपराधी साजिद अंसारी के तरफ से चौकीदार चौहान हेमब्रम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आज गांजे विधायक कल्पना सोरेन ने बेंगाबाद के गांव पहुंची और वहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया और मृतक के परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया है। रंजित भैया नीचे ए महेश परिवार जन आए थे, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी और वहां पर में उनका दिशा निर्देश था कि इनको जल्दी पकड़ा जाए अपराधी को, और कल खबर आई है कि अपराधी पकड़ा गया है। तो मैं प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और SIT गठित हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने कम समय में, अगर ये एक सभी लोगों के लिए सबक है कि झारखंड पुलिस हो या कोई भी झारखंड का कर्मी जिसके ऊपर किसी ने अगर हाथ डालने का काम किया है, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और परिवार के साथ हम लोग सब, सारे सामाजिक लोग, सारे पारिवारिक लोग, हम लोग सब एक साथ में हैं और ये दुख की घड़ी में हम एक दूसरे का अपना मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। बस मैं परिवार गिरिडीह पहुंची गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनती नजर आई और समस्याओं को उन्होंने जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नई पार्टी बनाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं पार्टी में नहीं आई हूं और अभी राजनीति सीख रही हूं। देखिए, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नई आई हूं और मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही अपनी अलग है और अभी जो बातें सुनने में आई हैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी पता चला है। तो क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है और उनके मन की बातें उन्होंने लिखी हैं, इस पर मैं कोई बातें कहना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही वो भी रहे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के अगर बात करने की बात होती तो मुझे लगता है कि उनको हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, इनके समक्ष में अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। देखिए, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नई आई हूँ और मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन गुरुवार को गांडे विधानसभा के ताराटांड गांव पहुंची, जहां उन्होंने JMM कार्यकर्ता किशुन मरांडी के 30वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो नेता संजय सिंह, अभय सिंह, रॉकी सिंह समेत कई लोगों की मौजूदगी रही।